सो हे गाइस दिस इज योर बॉय अमन हैवाल और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर तो जो लास्ट वीडियो था यार उसमें हमने बात करी थी कि अगर आप ट्वेल्थ पास आउट हो ठीक है आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि यार कॉलेज में आपको पाँच दस पंद्रह बीस हजार की साथ में मंथली पॉकेट मनी भी मिलती रहे तो आप ये नौ स्किल्स हैं यार फ्री लैंसिंग की जिनको आप सीख सकते हो ठीक है तो आज हम यार पहली के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ग्राफिक डिजाइनिंग तो आज हम सीखेंगे कि यार हु इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर ठीक है उसका काम क्या होता है कौन कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स उसको आने चाहिए अच्छा इसे सीखने में कितना टाइम लगता है अच्छा इसमें पैसे कितने मिलते हैं फ्री में अच्छा क्या हम इसे एज अ करियर भी बना सकते हैं अच्छा करियर की बात आई तो क्या भाई डिग्री भी रिक्वायर्ड होती है इसमें अच्छा क्या सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू होती है इसमें तो हम ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की वीडियो में तो ये जानने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं यार कि ग्राफिक डिज़ाइनर का काम कैसा होता है उसे क्या क्या काम करना पड़ता है तो आपने काफ़ी बार देखा होगा यार कि काफ़ी लोग है ना अपनी वेक्टर इमेज बना लेते हैं ठीक है ये कार्टूनिस्टिक जो इमेज होती है तो ये जो काम होता है ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है फिर जैसे कि ये हमारा एक इलस्ट्रेशन हो गया केमिस्ट्री लैब का तो आपने काफ़ी का बार वेबसाइट्स में देखा होगा कि वेबसाइट्स के अंदर ना कुछ कुछ ड्राॅइंग्स बनी होती हैं आदमियों की या फिर कोई और ड्राॅइंग बनी होती है कार्टूनिस्टिक तो वो सभी यार इलस्ट्रेशन होती हैं और वो सब बनाना भी ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है फिर जैसे कि यार ये कोई वेबसाइट है तो उसका शुरुआत में प्रोटोटाइप बनाना ब्लूप्रिंट बनाना कि वेबसाइट दिखेगी कैसे जैसे हम बिल्डिंग बनाने से पहले उसका पन्ने पे ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कितना एरिया होगा कहाँ पे कौन सा कमरा होगा ठीक है मतलब समझ रहे हो ना तो सिमिलरली वेबसाइट के लिए भी पहले एक ब्लू बनाया जाता है जैसे कि यह डॉब एक्च में बनाते हैं हम तो आप इसमें अगर देखोगे यार तो यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन वगैरह भी दिख जाएंगी तो ये जैसे हैं ये इलस्ट्रेशं बनाना ये भी ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है ये पूरा ब्लू बनाना भी ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है कि भाई ये लैंडिंग पेज है ठीक है उसके बाद स्क्रोल करेंगे तो ये खुल जाएगा उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इस पेज पर पे पहुंचेंगे यहाँ क्लिक करेंगे तो इधर पहुंचेंगे तो ये सारा ब्लूप्रिंट बनाना भी डिजाइनर का काम होता है सिमिलरली यार यहाँ पे मैं आपको एक और प्रोटोटाइप दिखाता हूँ कि भाई एक वेबसाइट का शुरुआत में ऐसे प्रोटोटाइप बनाए ठीक है कि भाई वेबसाइट ऐसी होगी ये जो स्टेशन बनाएं यार ये भी ग्राफिक डिजाइनर का काम है ये वाले भी ग्राफिक डिजाइनर का काम है ठीक है तो थोड़ी आपको फील आ गई होगी फिर जैसे कि यार किसी ब्रांड के लिए लोगो बनाना वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है तो जैसे आपको कोई ब्रांड कह देगी यार मेरे लिए लोगो बनाओ तो ग्राफिक डिज़ाइनर पांच छह डिज़ाइन बना के दिखाता है कि पहले बताओ यार आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है कि भाई आपको ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है ये लग रहा है ये 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 ठीक है तो ये अलग अलग टाइप के वो आपको दस बारह बना के दे देगा फिर आप उनमें से एक सेलेक्ट कर लेते हो तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है जो कोई हमारा फेसबुक पेज होता है या यूट्यूब पेज होता है तो हर पेज का एक ऊपर एक बैनर आर्ट बना होता है ठीक है तो वो बैनर आर्ट बनाना भी यार ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है और सबसे अच्छी चीज़ ये है यार कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि हर दिन बढ़ती जा रही है इसकी नीड बढ़ती जा रही है आज के दिन किसी को दुकान भी खोलनी है तो वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर चाहता है कि भाई आगे जो लेबल बने उस पर अच्छी से इलस्ट्रेशन वगैरह हों या फिर वो अपनी वेबसाइट खोले तो उस पर अच्छे इलस्ट्रेशन बने हुए हों आप किसी भी फील्ड की बात कर लो अगर आप पुलिस भी देखोगे तो पुलिस वालों को भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए आर्मी को भी ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए ठीक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को तो चाहिए ही चाहिए आप एडवर्टीजमेंट में आ जाओ वहाँ पे भी ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए सोशल मीडिया पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए तो यार अब ये जानने से पहले कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन कैसे सकते हो हम पहले एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं कि लास्ट में हमें कितने पैसे मिलेंगे कहाँ से हमें जॉब मिल सकती है तो बेसिकली ये तीन वेबसाइट है यार नाइनटी नाइन और आपका अपवर्क जहाँ पर आपको फ्री का काम मिल सकता है तो जैसे नाइनटी नाइन डिज़ाइन डॉट कॉम तो टोटली डिजाइनर्स के लिए बनाई गई है यार यहाँ पे आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो आप या तो क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हो या फिर कुछ कम्युनिटी के अगर मान लो किसी ने कॉन्टेस्ट बना दिया कि भाई मेरे को लोगो चाहिए मेरे को अपनी कंपनी के लिए लोगो चाहिए और कॉन्टेस्ट निकाल दिया तो दस बारह जो वो होंगे डिजाइनर्स वो कम्प्लीट करेंगे और जिसका सबसे अच्छा पसंद आएगा उसको यार रिवॉर्ड मनी मिलता है इस तरीके से होता है तो सिमिलरली यार फ्रीलांसर पे भी लोग अपने प्रोजेक्ट डालते हैं जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल रखा है ये प्रोजेक्ट डाल रखा है ये प्रोजेक्ट डाल रखा है और आगे पैसे भी लिख रखे हैं कि भाई फोर्टी टू डॉलर एवरेज बिडिंग हुई है ठीक है यहाँ पे टू एटी थ्री डॉलर हुई है कुछ लोग पर आवर भी देते हैं कि भाई हम फोर डॉलर पर आवर दे देंगे ठीक है तो किसी कोई फोर सिक्सटी फोर डॉलर दे रहा है कोई साठ डॉलर दे रहा है कोई ट्वेंटी डॉलर पर आवर चार्ज कर रहा है ठीक है तो डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है आप कितने अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो और जो आपका क्लाइंट है वो कितना बड़ा है आपको अलग अलग टाइप के जॉब मिल सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ सामने सामने देख रहे हो यार कितनी सारी जॉब्स हैं कितनी सारी जॉब्स हैं अगर आपको काम आता है तो आप इनका काम करो और आप अपना पैसा आराम से कमा सकते हो सिमिलरली यार अपवर्क भी बिल्कुल ऐसे ही है आप अपने आप को यहाँ रजिस्टर करो और क्लाइंट्स मिलेंगे उनका काम करो और आपको पैसे मिलेंगे तो यार हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ टूल्स की जरूरत होती है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए तो यार यहाँ पर मैंने चार लिखे हैं इनके अलावा भी होते हैं पर आपका जो मेजर काम है ना वो इन चारों से ही निकल जाएगा आपका डॉबी फोटोशॉप अडोबी Illustrator, अडोबी XD और अडोबी InDesign. डिज़ाइन तो ये यार अभी मार्केट का वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट फोटो एडिटर है ठीक है आपको फोटो के साथ मास्किंग करनी है जो कुछ भी करना है आप अडोबी फ़ोटोशॉप पे कर सकते हो नेक्स्ट होता है यार अडोबी इलस्ट्रेटर अडोबी Illustrator की क्या जरूरत पड़ती है जब हमें लोगोज बनाने होते हैं कोई इलस्ट्रेशन बनानी होती है ठीक है कोई हमें कार्ड वगैरह बनाना होता है तो यार उस सब में डॉप इलस्ट्रेटर का बनाते हैं क्योंकि यार उसमें हम वैक्टर इमेज बनती है वैक्टर इमेज का क्या मतलब होता है यार आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कुछ जो ऐड होते हैं कोका कोला है जैसे तो कोका कोला का इतना छोटा बैनर भी होता है ठीक है जो अपने वो पेप्सी की बोतल के अलग लगाता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे स्टेडियम पे लगते हैं तो यहाँ से ऐसी इमेज आती जाती यार जिन्हें आप बड़ा करते हो तो वो फटती नहीं है पिक्सल्स फटते नहीं है और डॉबी फ़ोटोशॉप में करोगे तो पिक्सल्स फट जाते हैं और डॉबी इलस्ट्रेटर में वो पिक्सल्स फटते नहीं हैं समझ गए तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है देखो यार अब सीखने को आप कोई सा भी पहले सीख सकते हो ठीक है पर मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप फ़ोटोशॉप से फेमीलियर हो उसके बाद आप इलस्ट्रेटर को पकड़ो ठीक है आपको काम आना चाहिए और उसके बाद आप अडोबी एक्सडी पे आओ क्योंकि अडोब एक्चडी पे आप बेसिकली वेबसाइट के प्रोटोटाइप्स बना रहे होगे अब जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो बीच बीच में आपको ये इलस्ट्रेशन भी देनी होगी जैसे यहाँ पे ये लड़की बैठी है यहाँ पे ये बुक्स वगैरह के ऊपर कैप पड़ी है तो वो इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए आपको अडोब इलस्ट्रेटर आना ज़रूरी है ठीक है और बीच बीच में आपको अडोबी फोटोशॉप की भी जरूरत पड़ सकती है ठीक है तो शुरुआत में इन तीन पे ध्यान दो यार और उसके बाद आप अडोबी इन डिज़ाइन भी कर सकते हो अब ये सारे सॉफ्टवेयर हम खरीदें कहाँ से ये सारे के सारे यार पेड हैं इनका पैसा देना पड़ेगा ठीक है अगर हम ऑफिशियल कायदे से चलें तो देखो यार ये इनकी वेबसाइट है अडोबी की जहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे या आपका फ़ोटोशॉप रहा या आपका इलस्ट्रेटर रहा या आपका इन डिज़ाइन है या आपका अडोबी एक्सडी है ठीक है ये आपका प्रीमियर प्रो है ये वीडियो एडिटिंग की तरफ आ गए हम अगर आप यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सीरियस हो तो आपको अडोबी के तीन चार एप्लीकेशन तो चाहिए ही होंगे तो आपको ये वाला पैकेज खरीदना पड़ेगा जो कि काफ़ी महंगा है तीन हज़ार पाँच सौ पर मंथ पर यहाँ पर यार एक अच्छी बात भी है कि स्टूडेंट एंड टीचर डिस्काउंट भी है और वहाँ पे आपको ये चीज़ तेरह पर मंथ में मिल जाती है अब ये भी यार काफ़ी सारे बच्चों के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है ठीक है और मैं अडोबी का यार कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा इन्होंने मेरे को कुछ पैसे नहीं दिया मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप यहाँ से खरीद सकते हो पर देखो यार जुगाड़ तो होता ही है ठीक है और आपने भी टॉरेंट वेबसाइट का तो नाम सुना ही होगा ठीक है कि कुछ चीज़ें डाउनलोड भी हो जाती हैं बाकी आप फिगर आउट कर ही लोगे ठीक है समझदार हो आप तो <laughs> तो ये सॉफ्टवेयर लेना तो आपको ये हमारे लिए दिक्कत की बात रही नहीं जब आपने सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड कर लिया पर अब हम इन सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे सीखें ठीक है तो उसके लिए दो तीन तरीके हैं एक तो है कि भाई आप यूट्यूब पर जाके सीख लो पर वो उतने कम्प्लीट और प्रोफेशनल कोर्सेज होते नहीं जनरली अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड दूसरा है यार कि आप यूडेमी पे आ सकते हो ठीक है यूडेमी क्या चीज़ है यूडेमी एक वेबसाइट है यार जहाँ पे आपको इस तरह के कोर्सेज मिल सकते हैं मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी प्रमोशन वीडियो नहीं है तो यहाँ पर आप कैटेगरीज में जाओगे तो यार इधर डिज़ाइन के अंदर आओ डिज़ाइन के अंदर भी ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आओ और आपको सब मिल जाएगा फोटोशॉप ड्राइंग अडॉबी इलास्ट्रेटर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अडॉबी इलास्ट्रेटर खोलता हूँ तो काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाएंगे यार कुछ टीचर्स के ठीक है ये 4.5 रेटिंग है अड़ इधर किसी की तो आठ घंटे के अंदर आप अडोबी इलस्ट्रेटर सीख सकते हो हाँ इसके पैसे लगते हैं यार पर ठीक है पैसे लगते हैं और मुझे पता है यार जब आप कॉलेज जस्ट ज्वाइन करते हो तो आपके लिए सात सौ साढ़े सात सौ रुपये भी बहुत महंगे होते हैं ठीक है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी टॉरेंट के बारे में ठीक है तो आप बाकी अब समझदार तो हो ही आप तो जो अच्छे कोर्सेज होते हैं ना यार वो कभी कभी मिल जाते हैं तो खोजोगे तो मिल जाएगा समझ रहे हो मैं भी तुम्हें तो गलत चीज़ें सिखा रहा हूँ ऐसे पर मैंने कुछ नहीं बोला मतलब जो करोगे तुम करना ठीक है कायदे से तो खरीदने चाहिए सॉफ्टवेयर पर हम कायदे से क्यों लेट्स ब्रेक द रूल्स अब जैसे यार ये कोर्स भी साढ़े सात सौ रुपये का है अब साढ़े सात सौ रुपये यार काफ़ी बच्चों के लिए एक बड़ा अमाउंट हो सकता है ठीक है फर्स्ट ईयर में कहाँ इतनी पॉकेट मनी मिलती है घर वालों से मांगेंगे तो दो जूते मारेंगे वो कि कहाँ इधर उधर हो गया पढ़ाई नहीं करने का ठीक है कुछ अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स होते हैं पर अभी भी हम समझ रहे हो ना तो तो आप क्या कर सकते हो यार महीने दो महीने अपना सेव करो तीन चार महीने सेव करके भी खरीद सकते हो नहीं तो बाकी टॉरेंट का नाम तो हमने सुना ही है अब कुछ लोगों का डाउट होता है यार कि क्या डिग्री की ज़रूरत है अब इसे एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं एक जिम है उसके अंदर एक नॉर्मल ट्रेनर भी होता है यार और एक होता है सर्टिफाइड ट्रेनर ठीक है तो सर्टिफाइड ट्रेनर की थोड़ी ज़्यादा कदर होती है अब सिमिलरली कुछ यहाँ पर भी वैसा ही है अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए कि भाई कॉलेज टाइम में मेरे को कुछ पैसे मिल जाए या फिर जॉब के साथ मेरा एक पार्ट टाइम जॉब हो जाए तब तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि इस फील्ड में यार लोग स्किल्स को ज़्यादा देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉग है आपने पुराने क्लाइंट्स के लिए कितना अच्छा काम करा है आपकी रेटिंग कितनी ज़्यादा है ठीक है वो रेटिंग आपकी चार है या फोर है ठीक है उस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं पर अगर आपने सोचा है नहीं यार ये तो मेरी मेन चीज़ होने वाली है मेन सोर्स ऑफ इनकम होने वाली है मेरा और करियर इधर है तब आपको डिग्री लेनी पड़ेगी यार ठीक है तो आप अपनी आर्ट्स की डिग्री ले सकते हो इसमें नेक्स्ट डाउट बच्चे पूछते हैं वो होता है कि भैया सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो देखो यार मैं तुम्हें है ना अभी पांच सर्टिफिकेट बना के दे सकता हूँ एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम ही होता है लोगो बनाना बैनर बनाना उसके लिए सर्टिफिकेट फेक करना कोई बड़ी बात नहीं होती तो कोई यार आपके सर्टिफिकेट को है ना नहीं मानेगा पर आपकी स्किल्स को मानेंगे तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए ठीक है तो सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको अब व्हाट इज़ द सैलरी सैलरी क्या होती है और वैसे अगर सैलरी की बात करें यार तो अगर कोई छोटी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आपके पास डिग्री भी नहीं है आप शुरुआत में एम ही जा रहे हो तो आपको शुरुआत में पाँच छः हज़ार रुपये देंगे ठीक है वो धीरे धीरे सात हज़ार कर देंगे आठ हज़ार कर देंगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे वहीं अगर आपका काम बहुत अच्छा है आप एक बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हो ठीक है तो वो आपको शुरुआत पंद्रह हज़ार से करेंगे फिर धीरे धीरे टाइम के साथ पंद्रह का बीस बीस का पच्चीस हज़ार इस तरीके से बढ़ता है यार ठीक है इसमें टाइम लगता है आपको अपना नाम बनाना पड़ता है आपको अपने क्लाइंट्स का काम दिखाना पड़ता है पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए काफ़ी बच्चे पूछ रहे होंगे भैया ये पोर्टफोलियो क्या होता है पोर्टफोलियो बेसिकली कुछ नहीं यार आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बना लेते हो जहाँ पर आप और लोगों को अपना काम दिखाते हो जैसे कि फ्री लैसर पर आपने कहा कि भाई मैं साढ़े चार सौ डॉलर लूँगा इस प्रोजेक्ट के तो ये प्रोजेक्ट वाला बंदा आपसे कहेगा अच्छा भाई अपना पुराना कुछ काम बता तो आप इसे अपनी वेबसाइट के लिंक सेंड कर दोगे उसको ये क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट खुलेगी जहाँ पे आपका पुराने क्लाइंट्स का काम आपने शो कर रखा होगा तो इसका आदमी को अगर पसंद आएगा तो ये आपको बोलेगा हाँ यार तू बना मैं तेरे को साढ़े चार सौ डॉलर दे दूंगा अब काफ़ी बच्चों का डाउट होता है यार लास्ट वीडियो में भी पूछा काफ़ी ने कि भैया फ्री लैंसर क्या होता है या फिर जो बाकी फ्री लैंसिंग वेबसाइट्स हैं लोग काम तो करा लेते हैं पर पैसे नहीं देते अब यार वहाँ पर आपको थोड़ी सी समझदारी के साथ काम करना है देखो यार अगर ब्रांड बड़ी है ना तब तो वो आपको डेफिनेटली पैसे देंगे अगर नॉर्मल क्लाइंट्स हैं तो वो कभी कभी गच्चा दे जाते हैं तो उसके लिए आप क्या करो यार आप उनका काम कर दो पर आप उन्हें प्रोजेक्ट सबमिट मत करो जैसे कि अगर आपने डिज़ाइंस बना रखे हैं तो आप ये डिज़ाइन बना लो और उन्हें दिखा दो ठीक है कि भाई आप उन्हें वीडियो कॉल पे दिखा सकते हो को, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल पे दिखा सकते हो या फोटो वैसे खींच के दिखा सकते हो ओरिजिनल फाइल मत दो और जब वो आपको पैसे दे दें तब आप उन्हें ओरिजिनल फाइल सेंड कर सकते हो और एक बार आपका अगर ट्रस्ट बन गया एक क्लाइंट आपसे बार बार काम करा रहा है तो भाई ऐसे आप मतलब ऐसे आपको एक तरीका निकालना पड़ता है लगभग यार हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं देखो यार आपके पास अभी तीन साढ़े तीन महीने बचे हैं बारहवीं के बाद ये तीन साढ़े तीन महीने बहुत हैं यार इस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए और आप चाहे कल को फ्री करो या ना करो आज के दिन ये एक स्किल है ठीक है एक स्किल है कल को यार आप किसी के बर्थडे के लिए भी कुछ बनाते हो ना तो आप बना सकते हो आप फोटोशॉप वगैरह कर सकते हो मिला यार अगर कॉलेज में भी कोई काम हो रहा है किसी सोसाइटी का या फिर कोई कल्चरल फेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है तो वहाँ पर आप हेल्प कर सकते हो डिज़ाइंस दे सकते हो पोस्टर बनाने में हेल्प कर सकते हो तो ये एक स्किल है यार ठीक है स्किल की अपनी ताकत होती है ऐसे ही यार हम बाकी स्किल्स के बारे में भी सीखेंगे तो तब तक के लिए चलते हैं सी हैव अ गुड डे एंड बाय